नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन फायर सेफ्टी क्लासेस। दोस्तों मैं रणवीर सिंह, देखिए मैं आ गया हूँ फिर एक अपडेट लेकर। देखिए अपडेट जो आ रही है वो एफसीआई भर्ती को लेकर आ रही है। देखिए एफसीआई के अंदर देखिए कैटेगरी 3 की जो वैकेंसी आई है वो 5043 वैकेंसी है। उन पदों पर देखिए भर्ती की जा रही है 5043 पदों पर। तो देखिए इसको लेकर इस पूरे वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या आपकी देखिए यहां पर एज लिमिट रहने वाली है, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, और देखिए ये जो वैकेंसी है वो जोन वाइज है तो उस पर भी हम बात करेंगे, और आपको अप्लाई इसमें कैसे करना है, और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। जो भाई चैनल पर पहली बार है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं देखिए वीडियो की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए आपके यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स की बात करेंगे कि देखिए यहाँ पर जो पोस्ट है वो देखिए जोन वाइज है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ जोन है, साउथ जोन है, वेस्ट जोन है, ईस्ट जोन है, और देखिये यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जोन है। अब देखिए यहां पर बात करूंगा कब वैकेंसी पोस्ट नेम क्या है। देखिए यहां पर जेई सिविल है, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, स्टेनो ग्रेड सेकंड है, और देखिए एजी थर्ड जर्नल है, एजी थर्ड अकाउंट्स है, एजी थर्ड टेक्निकल है, एजी थर्ड डिपो है, और एजी थर्ड यहां पर हिंदी है। तो ये टोटल मिलाकर देखिये जो वैकेंसी है जो जिन पर भर्ती की जा रही है वो 5043 वैकेंसी है, जो टोटल वैकेंसी है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर आपको एज लिमिट क्या रखा गया उस पर भी मैं बात करने वाला हूं। देखिए 1 अगस्त 2022 को आधार मानकर देखिए आपकी एज की गणना की जाएगी, आरक्षित वर्ग को जो कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती आई है वो मिलेगी। अब बात करेंगे देखिए जेई सिविल की 28 और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इसकी भी 28 है, स्टेनो ग्रेड सेकंड की 25 है, बाकी एजी थर्ड जनरल अकाउंट्स टेक्निकल और आपका डिपो इसकी 27 है, और एजी थर्ड हिंदी की यहां पर देखिए 28 वर्ष उम्र रखी गई है। अब देखिए बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो एजी थर्ड टेक्निकल में देखिए ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी बायोटेक और फूड के अंदर आपको होना चाहिए। एजी थर्ड जनरल ग्रेजुएट कंप्यूटर नॉलेज, अकाउंट्स में भी देखिए बीकॉम प्लस कंप्यूटर नॉलेज है, और देखिए डिपो में यहां पर ग्रेजुएट प्लस कंप्यूटर नॉलेज है, जेई ईएमई डिग्री इन इंजीनियरिंग और डिप्लोमा 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, और जेई सिविल डिग्री इन देखिए सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा 1 ईयर का यहां पर एक्सपीरियंस है, और एजी थर्ड हिंदी के अंदर ग्रेजुएट होना चाहिए 1 ईयर एक्सपीरियंस, और देखिए ट्रांसलेट टू इंग्लिश, और स्टेनो ग्रेड सेकंड के अंदर देखिए आपका ग्रेजुएट पर टाइपिंग और आपका स्टेनो होना चाहिए। अब बात करेंगे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका देखिए यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा, यहाँ पर देखिए प्री और मेन दो एग्जाम आपके होंगे, स्किल टेस्ट होगा, टाइप टेस्ट होगा, अगर रिक्वायर हुआ पोस्ट वाइज तो, जैसे कि आपका स्टेनो में है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, हाउ टू अप्लाई कैसे अप्लाई आपको करना है, इम्पोर्टेंट चीजें अभी आगे इम्पोर्टेंट लिंक्स भी आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर एफसीआई की वेबसाइट पर जब जाएंगे तो वहां पर आपको जाना है, और वहां पर देखिए रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको रिक्रूटमेंट फॉर कैटेगरी 3 के लिए जो लिंक है वहां पर जाना है, और वहां देखिए आपको खोलना है और अपनी डिटेल्स भरनी है, आपको अपना जो भी भुगतान होगा वो भरना है, भुगतान की भी बात कर लेते हैं। और देखिए भरने के बाद प्रिंट जरूर आप ले लेते। तो एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे, देखिए सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 रूपये फीस है यहाँ पर, और देखिए एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के अभ्यर्थी और महिला कैंडिडेट के लिए देखिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं रखा गया, उनको फ्री है, यहाँ पर वो फ्री फॉर्म भरेंगे, निःशुल्क भरेंगे। आगे चलते देखिए अब इम्पोर्टेंट लिंक्स की बात करेंगे, तो देखिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको देखिए ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा, उसका भी लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट का भी आपका लिंक है, और देखिए ऑनलाइन अप्लाई आपको जहां से करना है वहां उसका भी आपको यहां पर लिंक है। अब देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स है आपकी, जो अंतिम तिथि रखी गई है, अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2022 रखी गई है, अभी सितम्बर चल रहा है, तो अक्टूबर 5 अक्टूबर 2022 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है, और देखिए 6 सितंबर से इसके फॉर्म शुरू होंगे, ऑनलाइन भरना आपका 6 सितंबर से शुरू होगा। तो सब देखिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, विज्ञापन अच्छे से पढ़ लीजिए, सभी साथियों तक संदेश शेयर कर दीजिए, फिर आते हैं अपडेट के साथ, भर्ती विज्ञापन के साथ, भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन के साथ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।